हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एचबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर का ये 13वां वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अवकलन। इसके पहले भी हम लोग अवकलन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जब दो फंक्शन एक साथ गुणा में आए तो वैसे फंक्शन का हम लोग अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। मान लो अपने पास दो फंक्शन है, u इंटू v के भी फॉर्म में। f जो है वो किस प्रकार है, u इंटू v के फॉर्म में। u भी एक फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और v भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो यहां पर दो फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन का हम लोग अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे कि fx जो है वो दो फंक्शनों का क्या है, गुणनफल है। जैसे मान लो कि u बराबर अपने पास दे दिया है sin x और v बराबर दे दिया है log x। u बराबर क्या दिया है, sin x, और v बराबर दे दिया है log x। मतलब fx बराबर क्या होगा, यदि sin x इंटू log x, sin x इंटू log x। तो ऐसे फंक्शन का हम लोग अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह चीज आज हम लोग सीखेंगे। तो इसका रूल होता है कि जब कोई फंक्शन u इंटू v के फॉर्म में हो तो जो उसका अवकलन होता है वो हम लोग याद करने का जो नियम है, आइए देखते हैं कि y इक्वल टू यदि u इंटू v है, मतलब u जो है x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, तो इसका dy by dx जो होगा वो होगा, एक बार हम लोग क्या करेंगे, v को कुछ नहीं करेंगे बाहर रखते हुए u को अवकलन करेंगे। किसको ज्ञात करेंगे, u का अवकलन ज्ञात करेंगे, फिर यहां पर प्लस देंगे और फिर u को बाहर रखते हुए v को क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और ये इसका हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर। क्या करना है कि यदि कोई फलन हो आपके पास इस फॉर्म में u इंटू v के फॉर्म में, तो इसका अवकलन जो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो ये लिखेंगे dy by dx बराबर v इंटू du by dx प्लस यू इंटू डीवी बाई डीएक्स। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्म में लिख कर फिर अरेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका क्या, अवकलन। आइए इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अपने पास अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि वाई बराबर साइन एक्स इंटू क्या हो, लॉग एक्स। y बराबर क्या है, sin x इंटू log x। इसका हमें क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए हम लोग वही सेम dy by dx ज्ञात करना है। तो इसमें से एक फंक्शन को क्या मान लो, u मान लो, और दूसरे को क्या मान लो, v मान लो। और u इंटू v का फॉर्मूला आपको याद है, y इक्वल टू u इंटू v हो तो इसका अवकलन dy by dx जो होता है वो कितना क्या होता है, तो v को बाहर करते हैं और du by dx फाइंड करते हैं, प्लस u को बाहर करेंगे और dv by dx फाइंड करेंगे। तो यहां पर u किसको माने हम लोग, sin x, और v किसको माने हैं, log x। तो क्या करेंगे, तो इसका dy by dx लगाएंगे, लिखेंगे, तो इस फॉर्मूले से v को बाहर करेंगे, मतलब log x को क्या करना है, आपको बाहर रखना है, और फिर क्या करना है, d sin x by dx, d sin x by क्या करना है, dx, प्लस u को अब बाहर रखना है, मतलब sin x को क्या कर देना है, बाहर रखना है, और किसका अवकलन ज्ञात करना है, तो log x का। तो यहां हो जाएगा d log x by dx, d log x by dx। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर log x को ज्यों का त्यों रखना है, कुछ नहीं करना है, इसे sin x का अवकलन निकालना है। तो sin x का अवकलन क्या होता है, तो sin x का अवकलन होता है cos x, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, प्लस फिर से sin x को कुछ नहीं करना है, log x का अवकलन लिखना है, तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो log x का अवकलन में बताया था क्या होता है, 1 बाय x। यहां पर आधार क्या रहते हैं, ये यहां पर आधार क्या होना चाहिए, ये। इसको अच्छे से अरेंज कर दो तो dy by dx बराबर हो जाएगा, एलसीएम यदि लोगे तो x log x इंटू cos x और प्लस sin x by x।
ये हो जाएगा इसको क्या अवकलन किसका साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यू इंटू वी फॉर्म के लिए। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, मान लो वाई इक्वल टू, मान लो वाई इक्वल टू आपके पास दे दिया है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और इसका आपको क्या करना है कि dy बाय dx फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? dy बाय dx। तो क्या करेंगे हम, तो फिर से वही करना है कि एक फंक्शन को क्या मानेंगे u और दूसरे को क्या मानेंगे v। तो यहां पर u किसी भी एक को क्या मान लो u, मान लो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया u और log x को क्या मान लिया v। तो y इंटू यू वाई बराबर यू इंटू वी के लिए dy बाय dx का सूत्र बता दिया था मैंने कि v को क्या करना है बाहर रखना है और क्या फाइंड करना है du बाय dx, प्लस u को क्या करना है बाहर रखना है और क्या फाइंड करना है dv बाय dx। यही होता है u इंटू वी के फॉर्म में। तो क्या करेंगे अब, तो यहां पर y बराबर u है x स्क्वायर को dy बाय dx जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो v को बाहर करेंगे मतलब log x को बाहर कर देंगे और du बाय dx याद करेंगे मतलब क्या लिखेंगे, तो dx स्क्वायर बाय dx प्लस u को बाहर करेंगे मतलब x स्क्वायर को बाहर कर देंगे और फिर से क्या लिखेंगे d log x बाय dx, d log x बाय dx। अब क्या करना है आगे, log x को कुछ नहीं करना है, जो का क्यों रखना है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। आपको बताया होगा y इक्वल टू जब क्या रहता है x पे पावर n, तो इसका dy बाय dx क्या हो जाता है, तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो यहां पर x की जगह क्या है 2 है, तो यहां x की जगह x है और n की जगह क्या है 2, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 2 में एक माइनस हो गया तो 2x आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मैं आपको बताया था कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाय एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इंटू लॉग एक्स और x से x कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा x। आप x को कॉमन कर सकते हो तो आ जाएगा 2 log x प्लस क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इसका क्या अवकलन। तो जब भी u इंटू v के फॉर्म में आपके पास कोई फंक्शन दिया हो और उसका अवकलन निकालना है तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद भी सॉल्व करके देखना कि मान लो आपके पास y बराबर एक इस प्रकार का क्वेश्चन है साइन 2x इंटू ई टू दी पावर log x या ई टू दी पावर साइन x। यदि इस तरह से आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप पॉज करके देखें कि ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं क्या, स्क्रीन को पॉज कर ले और कुछ समय दें, 10 मिनट 5 मिनट दें, आप देखें कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है क्या। आइए देखते हैं। तो इसका u इंटू वी के फॉर्म में ये भी दिया हुआ है, तो यहां इसको u मान लेंगे और इस पूरे पार्ट को क्या मान लेंगे v। फॉर्मूला वही y इक्वल टू जब क्या हो u इंटू वी, तो इसका dy बाय dx कैसे निकालेंगे, तो v को बाहर कर देंगे और लिखेंगे क्या du बाय dx प्लस u को बाहर कर देंगे और फिर क्या लिखेंगे dv बाय dx। तो ये u इंटू वी के लिए आ गया। अब यहां पर सेम बैठाना है, लिखना क्या है dy बाय dx, तो v को बाहर कर दो तो v बराबर क्या है e टू दी पावर क्या है sin x और क्या लिखेंगे du बाय dx मतलब d sin 2x बाय dx, फिर प्लस आ जाएगा u को क्या करेंगे बाहर, u यहां कौन है तो sin 2x और इंटू
फिर क्या हो जाएगा बताओ, तो डी ई टू दी पावर साइन एक्स बाय डी एक्स, ये तो फॉर्मेट में लिख लिया। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर देखो क्या है साइन टू एक्स और यहां पर क्या है एक्स। मैं जब बोला था कि यहां आर्ग्यूमेंट जो होता है, एंगल जो होता है, एंगल में एक्स के अलावा इसके साथ कुछ कोफिशियंट में हो, तो एक्स के अलावा जो भी कोफिशियंट में आता है, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो चेन रूल के द्वारा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चेन रूल से सॉल्व करेंगे। तो चेन रूल कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं चेन रूल कैसे बनेगा। तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स यदि हम ज्ञात करेंगे, तो ई टू दी पावर साइन एक्स को कुछ नहीं करना, ई टू दी पावर साइन एक्स को ज्यों का त्यों छोड़ देना है, और यहां साइन टू एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यहां डिस्टर्ब कौन कर रहा था, टू एक्स कर रहा था, तो यहां पर साइन टू एक्स तो रहेगा ही, जो पार्ट हमें डिस्टर्ब कर रहा था, यहां हमें एक्स चाहिए था लेकिन क्या है टू एक्स, तो यहां पर नीचे क्या ला दो साइन टू एक्स, ये टू एक्स ला दो, लेकिन ये अपने पास टू एक्स तो था नहीं, तो ये डी टू एक्स को क्या करो ऊपर ले जाओ, और अब इस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चेन बना लिया मैंने। फिर प्लस इधर भी साइन टू एक्स को कुछ नहीं करना है, यहां भी चेन रूल लगाना है। देखो e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन में बताया कि y इक्वल टू e टू दी पावर x है, तो इसका dy वाई बाई डी एक्स क्या है, e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन यहां e टू दी पावर x नहीं, क्या है e टू दी पावर साइन x है, डिस्टर्ब कर रहा है कौन हमें साइन x, तो चेन बना देंगे इसका। चेन कैसे बनाते हैं, तो जो हमें डिस्टर्ब कराता है उसी को हम लोग क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं। तो यहां पर कौन साइन x डिस्टर्ब कर रहा था, तो साइन x को नीचे लिख दिया, और फिर इस डी साइन एक्स को ऊपर लिख के नीचे क्या लिख दिया डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, अब क्या है इधर हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स को कुछ नहीं करना, ये तो बाहर वाले टर्म है, यहां पर देखो टू एक्स को कुछ समय के लिए यदि मैं टी मान लू, तो ये वाला पार्ट क्या होगा साइन टी, कुछ समय के लिए हम लोग क्या पुट कर दे 2x बराबर टी, और यहां पर कुछ भी मान लो साइन एक्स को यहां कुछ समय के लिए क्या पुट कर दो, तो साइन एक्स बराबर मान लो पुट कर दिया मैंने डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा फंक्शन, तो यहां पर देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स, ये साइन टू एक्स है, तो साइन टू एक्स को डी तो रहेगा ही साइन, और टू एक्स बराबर क्या पुट कर दिया टी, और बाय क्या हो गया डी टी, टू एक्स बराबर टी, और इधर हो जाएगा डी टू एक्स बाय टू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है टू, ये क्या होता है टू, और प्लस ये सब मैं पहले बता चुका हूं, प्लस साइन टू एक्स, इसे साइन एक्स को डब्ल्यू माना हो, तो यहां पर हो जाएगा डी ई डब्ल्यू बाय डी डब्ल्यू, और इधर हो जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन में बताया था एक्स के रिस्पेक्ट में होता है कॉस एक्स। अब जो पार्ट हमारे पास बच रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ई टू दी पावर साइन एक्स, यहां पर देखो एक्स था और यहां भी एक्स, तो कॉस एक्स आ गया, यहां टी है और यहां भी टी है, तो ये क्या हो गया कॉस टी, और यहां टी बराबर क्या है टू एक्स, तो यहां पर क्या रख देंगे कॉस टू एक्स, और इंटू में क्या आ जाएगा टू, प्लस यहां पर क्या है साइन टू एक्स ई, यहां पर डब्ल्यू यहां भी डब्ल्यू, देखो यहां पर एक्स यहां भी एक्स, ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स था, तो यहां एक्स तो यहां भी एक्स, यहां डब्ल्यू तो यहां भी डब्ल्यू, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर किसको माने साइन एक्स, तो यहां डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर देंगे साइन एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो यह हो जाएगा इसका क्या डिफ्रेंशिएशन। तो जब भी फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में दिया हो और उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो कैसे भी आप सॉल्व करोगे, समझ में आ गया। तो यह था u इंटू वी के रूप में, दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में हो गुणा में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने का तरीका। आइए आगे हम लोग जानते हैं कि जब दो फंक्शन भाग में हो तो उसका अवकलन कैसे फाइंड करते हैं। जब दो फंक्शन किस रूप में दिया हो, भाग के रूप में दिया हो, डिवीजन के रूप में दिया हो,
तो वहां पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे अवकलन। जैसे मान लो आपके पास y बराबर दे दिया हो log x बाय साइन x, log x बाय क्या दे दिया है साइन x, तो ऐसे फंक्शन का कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। मतलब जब कोई फंक्शन u बाय v के फॉर्म में दिया हो, u जहां क्या है तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है और v क्या है फंक्शन ऑफ x है, ये दोनों किसका फंक्शन है x का फंक्शन u और v। तो जैसे यहां पर u इसको मान लो u बराबर बोलू तो log x और v बराबर क्या है sin x, तो ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका रूल होता है। जब कोई भी फंक्शन आपको u by v के टर्म में दिया हो, जब कोई फंक्शन कैसा दिया हो u by v के फॉर्म में दिया हो, तो y बराबर u by v के टर्म में दिया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो लिखते हैं अवकलन जो लिखते हैं वो dy by dx बराबर क्या लिखते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर v को बाहर करो और क्या फाइंड करो तो du by dx। वहां पर आया था प्लस, u इंटू वी में क्या आया था प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। v को पहले बाहर रखना और क्या ज्ञात करना है डी यू बाय डी एक्स, मतलब u को डिफ्रेंशिएट करना, फिर क्या करना है u को बाहर करना है और किसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dv बाय डी एक्स, v को डिफ्रेंशिएट करना है। बात समझ में आया, और पूरे में किससे डिवाइड कर देना है तो v स्क्वायर से, मतलब v जिसको मानेंगे जो हर होगा हर के स्क्वायर से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, किसमें पूरे में। बात समझ में आ रहा है, तो ये dy by dx कब, जब कोई फंक्शन किसके टर्म में दिया हो u by v के टर्म में दिया हो तो हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे तो v को बाहर लिखेंगे और u को अवकलन करेंगे, फिर माइनस u को बाहर लिखेंगे और किसको अवकलन करेंगे v को अवकलन करेंगे, और पूरे में किससे डिवाइड कर देना है तो v स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये है जब दो फंक्शन किसमें हो भाग के रूप में हो तो उस फंक्शन का क्या फाइंड करने का तरीका अवकलन फाइंड करने का विधि है। तो आइए जानते हैं कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इससे फॉर्मूला क्या था कि जब y बराबर u by v के फॉर्म में रहे कोई भी फंक्शन तो इसका dy by dx कैसे लिखते हैं, तो dy by dx लिखते हैं v को बाहर करेंगे du by dx फाइंड करेंगे, माइनस u को बाहर करेंगे dv by dx फाइंड करेंगे और पूरे में डिवाइड कर देंगे किससे v स्क्वायर से। अब मान लो अपने पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि y बराबर आपके पास क्वेश्चन है log x by x, log x by x इसे हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां भी देखिए ये किसके फॉर्म में है u by v के फॉर्म में, मतलब अंश को u मान लो ऊपर वाले को और नीचे जो हर है उसको क्या मान लिया मैं v, तो इसका dy by dx का रूल वही होगा v को बाहर रखो मतलब x को बाहर करो और किसको डिफरेंशिएट करो तो log x को, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा dx, ये बाहर हो गया और ये dx कर दिए, फिर माइनस u को बाहर करो तो यहां u कौन है log x, और किसको डिफरेंशिएट करना है v को मतलब dx by dx, और डिवाइड कर देना है किससे तो v के स्क्वायर से, तो यहां v कौन है x, तो यहां पर x स्क्वायर से क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। समझ में आया पूरे में, तो ये हो जाएगा dy by dx बराबर x को बाहर किया log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, फिर माइनस log x को जो का त्यों रखना है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो x से x कट जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस log x बाय x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log x बाय x का क्या डिफरेंशिएशन। आइए एक दो क्वेश्चन और इस पर करते हैं हम लोग। जब कोई फंक्शन किसके टर्म में दिया हो u by v के फॉर्म में दिया हो तो डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करना है, समझ में आया।
मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करके देखना, स्क्रीन पॉज करके, और लास्ट में आंसर मिलाना, देखना कि आपसे ये क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया वो सीखा या नहीं सीखा। मान लो अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स बाई लॉग एक्स, आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, साइन एक्स बाय लॉग एक्स। स्क्रीन पॉज करो और कुछ तक देर तक प्रयास करो, देखो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलो मैं करता हूं, आप स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करना, फिर आंसर मिलाना। आइए देखते हैं, dy बाय dx निकालना है हमें, तो dy बाय dx ऊपर वाले को क्या माना मैंने, अंश को u और नीचे वाले v, तो u by v के फॉर्म में अभी डिफरेंशिएशन बताया था, जब y इक्वल टू क्या हो u by v, तो dy बाय dx कैसे फाइंड करते हैं, तो v को बाहर रखो, du बाय dx लिखो, माइनस u को बाहर रखो, dv बाय dx लिखो, और डिवाइडेड बाय v के स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, भाग दे दो। तो यहां पर यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, v कौन है, log x, तो log x को क्या किया मैंने, बाहर किया, और sin x मतलब d sin x बाय dx फाइंड किया, माइनस अब u को बाहर करेंगे मतलब sin x को बाहर रखो, और किसका डिफरेंशिएट करो, तो log x बाय dx, और सब पूरे में किससे डिवाइड कर दो, तो v स्क्वायर, तो यहां मतलब किससे डिवाइड होगा, log x का होल स्क्वायर से। कोई डाउट तो नहीं यहां पर, अब dy बाय dx कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर log x को कुछ नहीं करना, sin x का dx मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x, माइनस यहां पर साइन एक्स है तो साइन एक्स को कुछ नहीं करना, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वन बाय एक्स, और डिवाइड पूरे में किससे डिवाइड करना है, तो लॉग एक्स विथ बेस ई के स्क्वायर से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। तो यहां पर डीवाई बाय डी एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यदि पूरा का एलसीएम लो तो एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, ये एक्स कहां से आया, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा, और यहां पर बचेगा क्या, माइनस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का क्या, डिफरेंशिएशन। आपको मैं कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप खुद करके देखना आप इस तरह के फलन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप सॉल्व करके देखना कि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय, यह तो ऐसे ले लो, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बाय कॉस एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बाय कॉस एक्स, सॉरी एक्स ले लो, साइन एक्स वाई बराबर आपके पास क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बाय एक्स, आपको इसका क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, ऐसे क्वेश्चनों का अवकलन कैसे ज्ञात करोगे, यहां पर देखो तीन है, एक यू तो यू इंटू वी के फॉर्म में और एक यू बाय वी के फॉर्म में, तो इस पूरे को हम लोग क्या कर लेंगे, यू मान लेंगे, ऊपर वाले जितने भी भाग है उसको क्या मान लेंगे, अंश को यू मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, वी मान लेंगे, और इसको पहले यू बाय वी के फॉर्म में सोल्व करेंगे। आइए देखते कैसे सोल्व करेंगे, तो यह डीवाई बाय डी एक्स हो गया ऊपर वाला जो पार्ट है, तो डिफरेंशिएशन यू बाय वी के फॉर्म में पहले तोड़ना है, तो वी को बाहर रखेंगे मतलब एक्स को बाहर रखा, और यहां पर क्या आ गया, डी साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब क्या करना है, यहां पर माइनस लिखना है, यू बाय वी के फॉर्म में तोड़ रहे हैं तो यहां पर माइनस हो जाएगा, और फिर किसको बाहर करेंगे, v को, तो v कौन है, log x है,
और यहां पर क्या है log x इंटू साइन एक्स को हम बाहर कर देंगे, सॉरी यहां पर हम लोग क्या किए v को बाहर किए और u को डिफ्रेंशिएट किए, बात समझ में आया। दूसरे में क्या करना है u को बाहर रखना है, तो u को बाहर करेंगे तो साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा log x बाहर हो जाएगा और ये डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे तो dv बाय dx, dv बाय dx मतलब dx बाय dx और बटे में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दो ये वाला पार्ट दो फंक्शन से बना हुआ है साइन एक्स से और कोस एक्स से, तो इसमें से एक को क्या मान लेंगे u और दूसरे को क्या मान लेंगे v, फिर से u और v में मानना है, इधर तो कुछ नहीं करना है। तो dy बाय dx जो फाइंड करेंगे x तो कुछ नहीं होगा, इसको u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ना, तो x को बाहर रख दो u इंटू वी में, पहले क्या करते हैं u को सॉरी देख लेना एक बार y इक्वल टू जब u बाई वी हो, u बाई क्या हो v, तो dy बाई dx को कैसे सॉल्व करते हैं तो v को बाहर करते हैं और du बाई dx फाइंड करते हैं और फिर u को बाहर करते हैं और dv बाय dx फाइंड करते हैं और पूरे में किससे डिवाइड कर देते हैं v स्क्वायर से। तो इस फॉर्म में इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, v को बाहर रखा है x को तो ये हो जाएगा क्या d sin x इंटू log x, किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में, फिर u को बाहर रखेंगे मतलब कौन बाहर होगा sin x इंटू log x एक साथ होंगे ये और क्या होगा यहां पर डी एक्स बाई एक्स और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे तो x के स्क्वायर से। अब यहां पर देखो x तो कुछ नहीं होगा, x को ज्यों का त्यों रखना है, आगे यहां पर देखो u इंटू वी के फॉर्म में दो फंक्शन है यहां, एक को u मानना है और दूसरे को v मानना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे u इंटू वी के लिए v को बाहर रखते थे और du यू बाई डी एक्स निकालते थे, तो du यू बाई डी एक्स क्या होगा v यहां कौन है log x और d sin x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा dx, फिर प्लस u को बाहर रखेंगे मतलब sin x को बाहर रखेंगे dv बाय dx मतलब d log x बाय क्या हो जाएगा dx और माइनस इधर तो कुछ नहीं करना है sin x इंटू log x और ये क्या हो जाएगा dx बाय dx वन हो जाएगा और डिवाइड में पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में है x स्क्वायर और ये x जो है पूरे में नहीं है, ये x इसमें है केवल। अब क्या करोगे सॉल्व कैसे करना है तो x को कुछ नहीं करना, अंदर में क्या है log x विथ बेस e, साइन x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बताओ cos x होता है प्लस साइन x को साइन x ही रखना, log x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 बाय x, ये हो गया माइनस इधर तो ज्यों का त्यों रहेगा साइन x इंटू log x विथ बेस और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको पूरे को अरेंज कर दो तो अरेंज कैसे होगा देखो एलसीएम लोगे तो यहां पर x आ जाएगा, x तो पूरे में मल्टीप्लाई है एलसीएम लेगा तो ये x log x इंटू cos x प्लस sin x और डिवाइडेड बाय x ये वाला x एलसीएम लिया तो और माइनस sin x इंटू log x, sin x इंटू क्या हो जाएगा log x और पूरे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इस x से ये x कट गया तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा x log x प्लस x log x इंटू cos x प्लस sin x माइनस sin x log x बाय x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका क्या फाइनल आंसर। तो जब भी u बाय v के फॉर्म में दिया हो या u इंटू v के फॉर्म में दिया हो तो हम लोग जो अवकलन फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं तो अवकलन हम लोग इस रूल से फाइंड करेंगे।
अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा समाकलन, आज मैं इतना ही रखता हूं, सॉरी मैं अवकलन के अनुप्रयोग बताऊंगा, फिर मैं समाकलन बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।